टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा हीटेड मैच आज पाकिस्तान और भारत के मबैन खेला जा रहा है पाकिस्तान और भारत हमेशा से ही रिवायती हरीफ रहे हैं और इन दोनों के मबैन जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो इस पर पूरी दुनिया अपनी नजरें जमाई बैठी होती है शायक क्रिकेट के लिए ये एक बेहतरीन खेल पेश किया जाता है इस पर दुनिया भर के माहरीन की जानब से अपने अपने तजये और पेशगोईयां भी की जाती है लेकिन एक हकीकत यह है कि वर्ल्ड कप के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत को नहीं दे पाया है इस हवाले से भारतीय टीम में कुछ तकबर का अंसर भी मौजूद है जिसको सामने रखते हुए हरभजन सिंह की जानेब से पाकिस्तान को यह कहा गया था कि पाकिस्तान की टीम भारत के साथ टी वर्ल्ड कप में मैच खेलने से इनकार कर दे क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने वैसे भी हार ही जाना है जिसका जवाब शुएब अख्तर की जानेब से हरभजन सिंह को दिया गया था लेकिन इस पर अब सारव गंगुली का बयान सामने आ चुका है याद रहे कि सारव गंगुली भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबरा हैं और उनकी जानब से यह हैरान बयान दिया गया है कि पाक भारत मैच की किस्मत क्या हो सकती है है। उनकी जानब से पाकिस्तान के जीतने के आसार के हवाले से बात भी की गई है शाहरुख गंगुली की से कहा गया है कि ऐसा हो नहीं सकता इवेंट में हमेशा भारत ही की जीत हो भारतीय खिलाड़ी पाक भारत मैच का प्रेशर कभी नहीं लिया एक वक्त था कि पाकिस्तानी टीम हावी रहती थी लेकिन आजकल भारतीय टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है शाहरुख गंगुली ने कहा की पाक भारत मैच में सबसे ज्यादा दबाव टिकटों की मांग का होता है वादा रहे की आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का सातवा एडिशन

जीत यकीनी हो जो टीम बेहतर खेल पेश करेगी वो जरूर जीत जाएगी पाकिस्तान और भारत के दौरान होने की से दोनों मालिक की अकवाम और अवाम भी इस मैच में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होते हैं स्टेडियम में मौजूद शायक का भी एक प्रेशर होता है जिसको अक्सर खिलाड़ी हैंडल नहीं कर पाते और अपनी परफॉर्मेंस लूज कर देते हैं लेकिन मैंने बतौर खिलाड़ी कभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच का प्रेशर नहीं लिया था अलबत्ता इस मैच में कोई भी टीम जीत सकती है